अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह रुबीना हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए बहुत ही कमाल के और जल्दी असर अंदाज होने वाले नुस्खे लाएँ और आप लोगों की खिदमत में बिल्कुल पेश रहें। आज भी हमेशा की तरह बहुत ही कमाल का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नुस्खा आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि ये कमाल का टिप है और देसी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे दोस्तों ने जो है इसे ट्राई किया और 100% देखिए गारंटी के साथ ये जो नुस्खा है। देखिए आजकल तो लड़कियां थ्रेडिंग तो बिल्कुल लड़के भी करवा लेते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो इनका तो रोज़ का काम होता है कि थ्रेडिंग करवाना, और ये जो हैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा या 15 दिनों में 2 दफ़ा ज़रूर थ्रेडिंग करवा लेती हैं। तो देखिए, आपके जो आप थ्रेडिंग करवाने जाती हैं तो आपके एक तो पार्लर्स वाले अच्छे पैसे ले लेती हैं और दूसरा जो है आपके बाल जो हैं वापस आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको थ्रेडिंग करते वक्त अगर धागे पर अगर आपने एक चीज़ लगा लेनी है तो यकीन जाने दोस्तों, आपके बाल वापस कभी वापस नहीं आएंगे। तो आपको बार बार थ्रेडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाल आएंगे भी तो देखिए 2-3 माह बाद आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। बिलहाल मैं आपको कहती हूँ कि आपके बाल गारंटी देती हूँ कि वापस भी नहीं आएंगे और ना ही आने का नाम लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अगर आप किसी भी धागे से थ्रेडिंग कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं तो आपको क्या करना होगा जो धागा आप जिस धागे से आप थ्रेडिंग कर रहे होंगे उस धागे पर आपने यानी कि थोड़ा सा बेसन, जी हाँ दोस्तों, आपने धागे को किसी चीज़ पानी की मदद से गीला कर सकते हैं, गीला कर से चुटकी में आप थोड़ा सा बेसन ले पूरे धागे की चारों कोनों पर बिल्कुल पूरे धागे को जो अच्छी तरह से उंगली की मदद से बेसन लगा लेना है। बेसन जब आप लगा लेंगे तो यकीन जाने दोस्तों, उस बेसन से जो है आप अपने बालों को थ्रेडिंग करेंगे, वो धागा टूटने का नाम भी नहीं लेगा और ना ही टूटेगा। और इससे ये होगा कि जब आपके बाल थ्रेडिंग करते वक्त निकलेंगे, जड़ से निकलना शुरू हो जाएंगे, और जो जड़ से जब जिस जगह से वो बाल निकलेंगे उस जगह पर जो ताज़ी जगह होगी जहाँ से आपके बाल निकले होंगे, और जो बेसन है वो धागे के थ्रू देखिए आपके मसामों में चला जाएगा, और मसाम जो हैं आपके जो हैं बिल्कुल बेसन की मदद से पूरे भर जाएंगे। और भरने की सूरत में ये होगा कि आपके जो बाल जहाँ से वापस टिश्यू से निकलना शुरू होते हैं तो वहाँ से कभी नहीं निकलेंगे। यकीन जाने दोस्तों, अगर ये चीज़ आप लगा लेना तो आपको कभी थ्रेडिंग या ऐसी वैसी आईब्रोज बनवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं आएगी। एक दफ़ा बनवाएँ और बार बार बिल्कुल आपको वहाँ पॉलिश में जाने की ज़रूरत भी नहीं आएगी। तो ये अगर धागे पर आप थोड़ा सा बेसन गीला करके बिल्कुल गीला करके या पहले पानी लगा के बाद में आप सूखा बेसन बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये लगाएं, देखिए बहुत ही कमाल का नुस्खा है जो मैंने आपको बताया। तो आपने ये ज़रूर करना है कि ये वीडियो जो है आपने दोस्तों को ज़रूर पहुँचानी है ताकि आपके ज़रिए उनका भला हो जाए। मैं तो हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आपने शेयर आप ज़रूर करनी है वीडियो, ताकि मैं मज़ीद वीडियो आप सब तक राती पहुँचाती रहूँ, और उसके साथ साथ देखिए आपके थ्रू औरों का भी भला होता रहे। तो ये कमाल का जो टिप है आप इसे ट्राई करके देखिए, गारंटी के साथ मैं आपको बता रही हूँ। अगर ऐसा ना हो तो बिल्कुल आप मुझसे शिकायत ज़रूर करिएगा। तो ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी देखिए कमाल के नुस्खों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।